गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अपनी मैथ्स की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग ने एडिशन का 2.1 चैप्टर लगाया था, ठीक है, और 2. एडिशन का हम लोगों ने कौन कौन सा चैप्टर लगा, एक्सरसाइज लगा ली थी, 2.1 लगा लिया था। आज हम लोग 2.2 लगाएंगे। देखो, ऐड करने के लिए एक बात ध्यान में रखना कि सबसे पहले हम लोग वंस को ऐड करते हैं, फिर टेंस को ऐड करते हैं और फिर हंड्रेड को ऐड करते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर पहले 1 और 5, 6 ये वंस में नंबर थे, टेंस में 7 और 2 को 9 लिया, ऐड कर दिया यहाँ पर 7 और 2 को, ठीक है ना, और फिर उसके बाद 100 वाला नंबर ऐड किया। तो राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं हमेशा। फिर जैसे कई बार हमें ऐसे नंबर मिल जाते हैं जिसमें हम लोगों को क्या करना होगा, कैरी करना होगा अगले वाले नंबर पे। देखो कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि ये एक नंबर दिया गया है, ये 324 एंड 256 को ऐड करना, 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 के 0 को हम यहाँ लिख लेंगे और 1 को हम लोग यहाँ ऊपर लिख देंगे। अब इसको ऐड कर लेंगे, 1 और 2, 3 और 5, 8, ठीक है, और उसके बाद 3 और 2 को 5 को ऐड कर देंगे। अब देखो जैसे कई बार यहाँ पर ऐसे नंबर आया, 3 और 4, 7 तो हो गया। अब अगला देखो, 5 और 7 कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये वाला तो नंबर हम यहाँ लिख देंगे, पहले वाला नंबर, और 1 को आगे कैरी करके ले जाएंगे, ठीक है ना। अब ऐड कर लेंगे 1, 2 और ये 3, ठीक, क्लियर। इसको ऐड करके हम लोग 327 ऐसे हम लोग इसको ऐड करेंगे, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, देखो ये मैंने किया है, 2 प्लस 0, 0 में 2 में कुछ भी ऐड, 0 ऐड करेंगे किसी भी नंबर में तो वही नंबर आ जाएगा, 2 हो गया, 3 और 3, 6, 4 और 1, 5 ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी देखो, ये मैं कर रहा हूँ, 5 और 4 प्लस करने पर 9 आएगा, आ गया, 4 और 2 प्लस करने पर 6 आएगा, और 2 और 3 प्लस करने पर 5 आएगा, 569। करना क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर एफ और क्वेश्चन नंबर एच, ये आपको कॉपी पे करने हैं, और जो बाकी बचे क्वेश्चंस हैं उनको आपको बुक पे करना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ये नंबर 7 और 6 नंबर को ऐड करने पर हमें मिला 13, यहाँ आप रफ पे लिख लो 13, 3 नंबर तो आप यहाँ लिख लोगे, 1 नंबर को आप उसके ऊपर कैरी कर लोगे, ठीक है ना। 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4 और 1, 5, और 3 और 4 कितना हो गया, 7, ठीक। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है ना, ये आपको किस पे करने हैं, कॉपी पे करने हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई मैं कर रहा हूँ, 4 प्लस 3, 7 हो गया, ठीक। अब 5 और 8 कितना होगा, 13, 13 का हम लोग यहाँ 3 लिख देंगे और 1 को आगे कैरी कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 हो गया, 4, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर जी और क्वेश्चन नंबर एच, ये आपको बुक में करना है, ठीक। अब देखो ये ला, 4 और 2 कितना हो गया, 6, 3 और 6 कितना हो गया, 9, 5 और 8 कितना हो गया, 13। अब कैरी करके तो आगे नहीं ले जा सकते, आगे कोई नंबर नहीं है, तो पूरा नंबर लिख देंगे 13, ठीक है ना। अब इसमें भी क्वेश्चन नंबर जे, के और एल, ये आपको कॉपी पे करना है, ठीक, समझ गए, ये कॉपी पे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी पे करना है, कौन सा, बी सी डी एफ जी एच जे के एल, ठीक। अब देखो, राइट इन कॉलम एंड ऐड, देखो कॉलम में लिखना है और ऐड करना है, ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर दिया गया है 536 और 243, ठीक है। अब इसको कॉलम में लिखा और मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, 6 और 3 कितना हो गया, 9, 3 और 4 कितना हो गया, 7, 5 और 2 कितना हो गया, 7, 779 यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक। अब देखो मैं ये अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, 326 उसमें 297 ऐड करेंगे हम लोग, 6 और 7 ऐड करने पर क्या आया, 13 आया, तो ये 3 हम लोग यहाँ लिख देंगे और 1 को आगे कैरी कर लेंगे,
वन और टू कितना हो गया थ्री, और थ्री और नाइन मिलकर के हो गया ट्वेल्व, इसका टू लिख देंगे यहाँ पर और वन को आगे कैरी करके ले जाएंगे, ठीक है। वन और थ्री फोर, फोर और टू सिक्स, 623 यहाँ लिख देंगे 623, ठीक है ना। तो आप करना क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर ई और क्वेश्चन नंबर आई ये कॉपी पे करने हैं और बाकी के क्वेश्चंस आपको बुक में ही करने हैं, ठीक है। रफ पे करके आंसर इस पे लिखेंगे। ये जो तीन क्वेश्चंस में मैंने टिक लगाए, चलिए एफ वाला भी ले लेगा, फोर क्वेश्चंस जो मैंने टिक लगाए ये आपको बुक में कॉपी पे करने हैं, ठीक है। चलिए ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई 2.2। अब हम लोग अगली एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक इसको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी पे करके रखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, बाय।